मध्य प्रदेश के इस बड़े नेता ने शिक्षक कर्मचारियों के हित में क्या कहा, सुने। मंच से की घोषणा। शिक्षा कर्मियों अध्यापकों को भी मिलेगी पुरानी पेंशन ऑप्स। देखे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने जन आक्रोश सभा में पूर्व पेंशन पर क्या कहा। मध्य प्रदेश में इस वर्ष चुनाव विधानसभा होने जा रहे हैं। सत्ता पक्ष द्वारा जहां हर वर्ग के लिए बड़ी बड़ी लोक लुभावनी घोषणाएं की जा रही हैं, वहीं विपक्ष द्वारा भी। मध्य प्रदेश में इस वर्ष चुनाव विधानसभा होने जा रहे हैं। सत्ता पक्ष द्वारा जहां हर वर्ग के लिए बड़ी बड़ी लोक लुभावनी घोषणाएं की जा रही हैं, वहीं विपक्ष द्वारा भी जन आक्रोश के बीच बड़े बड़े वचन दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने दिनांक 21 सितंबर 2023 को मुरैना जिले के ग्राम मध्य प्रदेश में इस वर्ष चुनाव विधानसभा होने जा रहे हैं। सत्ता पक्ष द्वारा जहां हर वर्ग के लिए बड़ी बड़ी लोक लुभावनी घोषणाएं की जा रही हैं, वहीं विपक्ष द्वारा भी जन आक्रोश के बीच बड़े बड़े वचन दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने दिनांक 21 सितंबर 2023 को मुरैना जिले के ग्राम खिल्ली में आयोजित जन आक्रोश सभा में मध्य प्रदेश के लाखों शिक्षा कर्मियों अध्यापकों की पूर्व पेंशन को लेकर एक बड़ा वचन दिया है। अनेक चुनावी वचनों के बीच नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर पुरानी वर्ष 2004 से बंद पड़ी पुरानी पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा कर्मी और अध्यापक इससे वंचित न हो, इसके लिए वचन पत्र में लिखा गया है अब शिक्षाकर्मी और अध्यापकों को भी पूर्व पेंशन का लाभ सरकार बनने पर मिलेगा। ऐसा होने पर मध्य प्रदेश के लाखों अध्यापकों शिक्षकों को इसका लाभ मिल सकेगा।